गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोगों को सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 11 पढ़ाएंगे। चैप्टर 10 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चैप्टर 11 क्या है? एनिमल लाइफ। हम लोग क्या जानेंगे आज? एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ होती कैसी है, यानी जानवरों की लाइफ। ठीक है, चलिए बुक रीड करते हैं। काइंड्स ऑफ एनिमल, जानवरों के प्रकार। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल अराउंड अस। हम लोग क्या करते हैं, अपने आस पास कई प्रकार के एनिमल्स देखते हैं। सम एनिमल्स आर बिग, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सम एनिमल्स आर स्मॉल, कुछ क्या होते हैं, छोटे होते हैं। सम एनिमल्स आर विल्ड एंड सम आर डोमेस्टिक, और कुछ इसमें एनिमल क्या होते हैं, जंगली होते हैं, और कुछ डोमेस्टिक यानी पालतू होते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन अर्थ एंड सम लिव इन वाटर, कुछ एनिमल्स क्या कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, और कुछ पानी में। चलिए देखते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये क्या है, स्थलीय, जो जमीन पर रहते हैं। देयर आर सम एनिमल दैट लिव ऑन लैंड और ऑन ट्रीज लाइक स्क्वायर एंड मंकी, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखिए कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, वो अपना जीवन सारा भूमि पर यानी लैंड भूमि पे व्यतीत करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, और वो ट्री पे भी रहते हैं और पेड़ों पे रहते हैं, कौन से रहते हैं, गिलहरी होगी, स्क्वायर, मंकी, बंदर, इन सबको क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। अब देखिए एक्वाटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जानवर। देयर आर सम एनिमल्स डैट लिव इन द वॉटर, कुछ जानवरों का जीवन किस में है, वॉटर में यानी पानी में। देयर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स, और इन्हें क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे कौन कौन से एनिमल्स वाटर में रहते हैं, फिश, वेल, हाइड्रा, ईटीसी, यानी बहुत सारे और भी हैं। फिश मछली तो रहती है, वेल मछली भी रहती है, हाइड्रा और ईटीसी, कुछ पौधे भी होते हैं। ठीक है, आर द एक्वाटिक एनिमल्स, और इन्हें एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए आप लोग। एम्फीबियंस यानी उभयचर, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स दैट पास सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑन द लैंड एंड सम पार्ट इन द वॉटर, ऐसे कुछ जानवर है जो भूमि पर अपना जीवन क्या है व्यतीत करते हैं, और कुछ हिस्सा उनका पानी में रहता है, पानी में चलने के लिए पारित रहता है। देयर आर कॉल्ड एम्फीबियंस, और इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। देखिए कौन कौन से जानवर है जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी चल सकते हैं, वो कौन से है, डक हो गया, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, एंड इन सबको क्या कहेंगे, एम्फीबियंस कहेंगे। अब देखिए हम जानेंगे बर्ड्स की लाइफ कैसी होती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स अराउंड अस, हमारे आसपास कई प्रकार के क्या है, बर्ड्स भी होते हैं। मोस्ट बर्ड्स कांट फ्लाई, अधिकांश पक्षी क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। बर्ड्स हैव टू विंग्स, और बर्ड्स के क्या होते हैं, दो पंख होते हैं। विंग्स हेल्प्स देम टू फ्लाई, और ये पंख क्या करते हैं, उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। बर्ड्स आल्सो हैव बीक, और उनकी क्या होती है, एक चोंच होती है। दे ईट विद द बीक, और वो उस चोंच से क्या करते हैं, खाते हैं। बर्ड्स हैव टू लेग्स, और उनके बर्ड्स के क्या है, दो पैर होते हैं। लेग्स हेल्प्स देम वॉक देम टू वॉक, और ये उनके चलने फिरने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट पेज ओपन करिए। इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन होता है कीड़े मकोड़े जो होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, और इनके क्या है, अधिकतर सिक्स लेग्स होते हैं यानी सिक्स पैर होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू, कुछ कीड़ों के क्या होते हैं, पंख भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, पंख भी होते हैं। दे हेल्प देम टू फ्लाई, वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन से इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटो है, कॉकरोच है, एंट है, और भी कई चीज कई एनिमल्स होते हैं। अब देखिए फूड फॉर एनिमल्स, अब एनिमल कौन से फूड खाते हैं। देखिए एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, एनिमल्स क्या है, प्रत्येक प्रकार के फूड खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ग्रास